हेलो गाइस, चलिए हम देखते हैं। एक व्हीकल में प्रॉब्लम है पिकअप की, और इसमें यूरिया की कंजम्पशन बिल्कुल ही नहीं है और पिकअप नहीं है इस व्हीकल में। ये व्हीकल 2518 हाइवा है। चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम की वजह से ये व्हीकल में पिकअप नहीं है और यूरिया की कंजम्पशन नहीं है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्ट हो गई है। चलिए इसे हम बाईपास कर लेते हैं यहाँ से, फिर फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉल्ट कोड यहाँ पे हमारे आ गए हैं। एक फॉल्ट कोड है 4238 है। ये हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट 1 SCR डोजिंग एयर असिस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर, ये प्रेशर की है। और ये वाली ये जो है आपकी डोजिंग एयर असिस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर की है। और उसके नीचे वाली कोड है फ्रेंड्स 4177। 4177 है, ये 49 टाइम्स आए हुए हैं। ये 4177 जो है वो 49 टाइम्स आए हुए हैं। और ये इसमें क्या लिख रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट 1 SCR डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व। ये एयर असिस्ट वाल्व जो है वहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम बता रही है इस जगह पे। और एक कोड है 1117, ये पावर लॉस्ट की है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं डिटेल्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे सर्किट आ गई है इसकी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सर्किट डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। द आफ्टर ट्रीटमेंट SCR डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व इज कंट्रोल बाय द ECM। ये ECM से कंट्रोल होता है। और द आफ्टर ट्रीटमेंट SCR डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व इज यूज टू बी डिलीवर्ड डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड मेंटेन बाय द डोजिंग वाल्व टू द नोजल आफ्टर ट्रीटमेंट नोजल। तो ये मेंटेन जो होता है वो डोजिंग वाल्व के थ्रू होता है। और इसके नीचे देखिए कंपोनेंट की लोकेशन दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि डोजिंग यहाँ पे बता रहा है कि डोजिंग यूनिट में डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व वहाँ पे माउंट किए गए हैं। तो हम लोगों ने ये पे जान लिया यहाँ पे सर्किट से कि क्या कहाँ पे है और इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहा है। तो इस जगह पे हम लोग जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें इसकी सर्किट जो है क्लियरली शो करेगी और दिखेगी और हम इसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। चलिए हम डोजिंग यूनिट के पास आ जाते हैं और डोजिंग यूनिट की मेन कपलर जो राउंड वाली है उसे हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड में हम लोग पहले इसकी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीक़े से। देखिए इसकी बैक साइड में ही जो मार्किंग रहती है ABCD NMU, तो ये सब जो मार्किंग है वो बैक साइड में होती है। चलिए हम इसमें करंट चेक करते हैं। हमें 3 वोल्ट, 3 पॉइंट में हमें 3-3 वोल्ट मिलनी चाहिए और हमें 2 पॉइंट में 5 मिलनी चाहिए, 1 पॉइंट में 24 मिलनी चाहिए। बट देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। देखिए अभी तक यहाँ पे देखिए 3 के आसपास मिला, इसमें मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 5 मिल गया, 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी 5 मिल गया। चलिए 2 में 5 आ गया हमें, उसके बाद फिर 1 देखिए, उसके बाद कहीं पे नहीं है, मतलब कि अभी हाँ अभी यहाँ पे हमें 2 में 5 मिला है, 1 में 3 मिला था। चलिए हम यहाँ पे असिस्ट वाल्व को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है हमें इस जगह पे देख लेते हैं। देखिए 13 आ रहा है 1 पॉइंट में और 1 पॉइंट में 24 आना चाहिए, पर 24 वोल्ट में 0 मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब है कि डोजिंग एयर असिस्ट वाल्व में करंट 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने चेक किया। चलिए इसकी हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर लेंगे हम बॉडी से, ये कॉन्टीन्यूटी भी बिल्कुल सही है, ये शॉर्ट नहीं है। चलिए यहाँ पे इंटरफेस कनेक्शन जो है उसे हम निकालते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं उसी वायर को ट्रेस करके कलर कोडिंग के हिसाब से। तो चलिए इस जगह पे देखिए हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो देखिए इस जगह पे 0, यहाँ पे देखिए 12 मिल रहे हैं 1 में, मतलब 1 पॉइंट में करेक्ट है और दूसरी पॉइंट में जहाँ पे 24 है वहाँ पे हमें 0 मिल रही है। तो चलिए हम इस जगह से अब देखेंगे, उसी कलर कोड को हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी के 24 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे डालेंगे।
तो चलिए हम वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं, और छीलने के बाद एक अलग से वायर लेंगे और डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन देकर यहाँ पर हम दे देंगे। चलिए इस जगह पे हम लोग थोड़ा निकाल लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन देकर यहाँ चेक करनी है, हमें कंटिन्यूटी हमने चेक कर लिया वही वायर है कि नहीं, और चेक करने के बाद चलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। इसमें रेड कलर की वायर है, रेड में वाइट स्ट्रिप है इसमें, तो चलिए इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे बेंड कर लेते हैं ताकि बॉडी में ना टच हो जाए और किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, ताकि हम इसे बचने के लिए हम इसे थोड़ी सी हल्की ऊपर से लगा देते हैं टैप, और इंटरफेस कनेक्शन को हम वापस लगाते हैं अच्छी तरीके से। चलिए इंटरफेस कनेक्शन को हम डालेंगे, डालने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस मिल रहे हैं इस पॉइंट पे हम जब करंट चेक करेंगे। तो चलिए इसे अच्छी तरीके से लगानी है, और अगर इसकी लॉक अगर टूट जाए तो इसे टैग मार देनी है, और अगर टैग नहीं है तो किसी भी चीज़ से अच्छी तरीके से इसे बांध देनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ से देखिए हम लोग कनेक्शन ले लिए हैं 24 वोल्ट की सप्लाई, देखिए इस जगह से 24 वोल्ट की सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 25 हमें यहाँ पे मिल रही है और दूसरे में देखिए 12 मिल रही है, मतलब ये हमारी जो है वो करेक्ट इस जगह पे आ गई है। अब चलिए हम डोजिंग यूनिट के अंदर हम चेक कर लेते हैं इसकी जो करंट सप्लाई है, हमें तीन में तीन तीन मिलनी चाहिए, दो में पाँच और एक में 24 मिलनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या करके, देखिए यहाँ पे तीन मिल गई है इस जगह पे, यहाँ भी तीन मिले हैं, दो हो गए, यहाँ पे 25 मिल रहे हैं, चलिए करेक्ट है, यहाँ पे पाँच मिल रहे हैं, चलिए इस जगह पे तीन मिल रहे हैं, मतलब तीन वाली कंप्लीट हो गए, पाँच दो में मिल गए हैं, ये भी कंप्लीट हो गए, और बाकी कैन वायर की है और इसकी ग्राउंड की है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो करंट सप्लाई थी डोजिंग यूनिट में जो आने वाली गोल राउंड कलर की जो कपलर है राउंड, उसमें हमें जितना पॉइंट हमें चाहिए वो हमें मिल गया। एक दोबारा हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम इसे हम लगा लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए ये हमारी करंट सप्लाई बिल्कुल ही सही है। चलिए हम इस कपलर को अब डाल लेते हैं यहाँ पे, उसकी कवर डाल देते हैं ऊपर से, डालने के बाद हम कपलर को लगाते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से कपलर को हम लोगों ने डाल दिया, और SOV की जो कनेक्टर है उसे भी हम डाल लेते हैं। चलिए असिस्ट वाल्व की जो हम कनेक्टर है उसे भी हम डाल लेते हैं, डालने के बाद चलिए इसे लॉक कर देते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के तरफ आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो सारी ओपन की है, ओपन करने के बाद हमें इतनी सारी कोड जो है वो एक्टिव में आ गए हैं, क्योंकि पूरी डोजर यूनिट और आपकी इसकी कपलर निकाल दिए थे, जिसके वजह से ये इतनी सारी कोड यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। और देखिए 4177, ये 4177 फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इनएक्टिव हो गए हैं। देखिए 4177 जो है ये इनएक्टिव हो चुके हैं डोजर एयर असिस्ट वाल्व की, तो हमें ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी थी 4238 जो है अभी भी एक्टिव है, तो हमें क्या करनी है, हमें इसे डोजिंग करानी है और देखनी है। अभी हम वेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को रिफ़्रेश होने तक। देखिए रिफ़्रेश हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, जब रिफ़्रेश हुआ फ्रेंड्स तो देखिए सारी कोड जो है वो इनएक्टिव हो गए हैं, पर इसमें तीन कोड जो हैं वो अभी भी एक्टिव दिख रहे हैं। एक है 4238, 1117 और 3577। चलिए हम इसे डोजिंग कराते हैं, ओवरराइड टेस्ट करते हैं, यहाँ से ओवरराइड टेस्ट करते हैं। देखिए हमारी जो प्रेशर है ये इंक्रीज़ होनी चाहिए, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होती है तो ये कोड इनएक्टिव होने की चांसेस है, अगर ये प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो ये इनएक्टिव नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रेशर है वो 105.6 से ज़्यादा नहीं गई और वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। चलिए हम रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, वापस हम टेस्ट करते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं ये 106 के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं इसकी प्रेशर। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो हमें
देखनी होगी। पर इसमें और एक बात देखने वाली है कि 1117 जो कि पावर लॉस्ट की दिखा रही है यहाँ पे बैटरी की, पर हमारी जो पावर सप्लाई लॉस्ट जो है ये यहाँ पे शो कर रही है, बट हमारी व्हीकल जो है वो अभी भी स्टार्ट है उस कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को ऑफ करना है बैटरी के पास से उसकी स्विच को। हम लोगों ने ऑफ करके ऑन किया तो देखिए 1117 जो है वो इनएक्टिव हो गया और बैलेंस दो कोड यहाँ पे बच गए हैं 4238 और 3577। तो हमें इसके ऊपर देखनी है कि क्या प्रॉब्लम ये जाती है या नहीं। तो चलिए हम फिर से पंप की ओवरराइड टेस्ट करते हैं। ये ऑन ऑफ करने के बाद बैटरी के पास जो स्विच है उसे हमें मेन स्विच उसे ऑन ऑफ करके हम एक बार फिर डोजिंग कराते हैं। चलिए यहाँ से हम डोजिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं पंप की ओवरराइड टेस्ट और ये प्रेशर देखिए हमारी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स ये प्रेशर जो है वो 600 तक आएगी। 600 आने के बाद हमारी जो यूरिया है वो स्प्रे होनी चाहिए और पंप की जो टाइमर है वो चलनी चाहिए। हम फॉल्ट कोड के ऊपर देखते हैं तो अभी 4238 अभी भी हमारी एक्टिव में यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि डोजिंग होते वक्त ये हमारी जो फॉल्ट कोड है 4238 ये इनएक्टिव होना चाहिए, अगर ये कुछ देर तक हम इसे वेट करें डोजिंग पे छोड़ने के बाद। तो चलिए हम इसे देखते हैं कब तक ये इनएक्टिव होता है और एक मिनट के ऊपर, एक मिनट 20 सेकंड ऐसा कुछ जाएगा तो इसे इनएक्टिव हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसे वेट कर लेते हैं कि ये इनएक्टिव होते हैं या नहीं। अगर इनएक्टिव नहीं होते हैं तो हमें फिर वापस हमें चेक करनी होगी डोजिंग यूनिट के अंदर कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये डोजिंग एयर असिस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर की, ये प्रेशर जो है ये सेंसर जो है वो सेंस नहीं कर पा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कब तक ये इनएक्टिव होती है। तो हमें इसे वेट करना है और इसे वॉच करना है कि ये इनएक्टिव कब होती है। देखिए फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली जब हमारी डोजिंग होनी शुरू हो गई, देखिए यहाँ पे हमारी यूरिया भी आने शुरू हो गई नोजल से, देखिए इस जगह पे इंजेक्ट होने लगी यूरिया और हमारी जो कोड है वो इनएक्टिव हो गई। हमारी जिस कोड के लिए हम इसे टेस्ट कर रहे थे वो कोड अभी इनएक्टिव हुई 4238। तो ये सारा जो प्रॉब्लम हो रही थी ये हमारी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से हो रही थी इस व्हीकल में, जिसके कारण ये यूरिया कंजम्पशन नहीं हो रहा था इसमें। देखिए यहाँ पर प्रेशर 570-580 के आसपास है, पंप हमारी उतनी चल गई है। तो हमें क्या करनी है, अब हमें इसे स्टॉप कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस जगह पे हमारी कोड जो है सारी इनएक्टिव हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हीकल को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम ये सारी कोड को हमें यहाँ से इरेज कर लेनी है, रीसेट ऑल कर लेनी है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से ही ये व्हीकल में यूरिया की कंजम्पशन नहीं थी और पिकअप नहीं थी व्हीकल में। तो अब इसकी जो पिकअप है वो पूरी तरीके से आ जाएगी। इसे हम रीसेट कर लेते हैं और रीसेट करके हम देख लेंगे कि किसी तरह की कोड जो है बैलेंस तो नहीं रह गए कि हमें उसके ऊपर वर्क करनी पड़े। तो हमारी ये सारी हम लोगों ने यहाँ से इरेज कर लिया है। देखिए चलिए अब हम इसे भी, इसे हम डायग्नोस्टिक को भी हटा लेते हैं यहाँ से। हटाने के बाद हमारी इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम थी इस व्हीकल में पिकअप से और यूरिया से रिलेटेड, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से बाईपास कर लेते हैं, हटा लेते हैं इसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।